हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है? इफ़ द एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल थीटा इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड सिग्नल देन इट इज़ कॉल्ड एज एंगल मॉड्यूलेशन। तो यदि हमारा जो थीटा है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। अब हमारा कैरियर सिग्नल क्या, ए सी कॉस 2πfct प्लस फाई। फाई हमने सपोज़ कर लिया कि हमारा कोई फेज शिफ्ट है, तो ये जो पूरा टोटल टर्म है 2πfc प्लस फाई, इसको क्या मान लिया हमने, थीटा। तो ये थीटा जो है वो हमारा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, हमारा मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द पैरामीटर एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल देन इट इज़ नोन एज द मॉड्यूलेशन। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, यदि आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। अब एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन हमारा दो तरीके से होता है, फ्रिक्वेंसी और फेज। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है इफ़ एंगल मॉड्यूलेशन अकर्स ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ एफ सी ऑन एम टी। मतलब कि हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, उसे हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इफ़ हमारा जो फेज है फाई वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एम टी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। इफ़ एंगल मॉड्यूलेशन अकर्स ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ फाई ऑन एम टी देन कॉल्ड एज द फेज मॉड्यूलेशन। अभी हम इसे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सपोज ये जो है हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल जो टी एक्सिस से हमारा एंगल बनाता है उसे हम फेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ कर रखा है उसमें फेस क्या है, 90। अब इसकी हाफ साइकिल में हमारे कैरियर सिग्नल की दो फ्रिक्वेंसी, दो साइकिल आ रही हैं, एक यहाँ से यहाँ तक एक और ये हमारी दूसरी। तो ये हाफ साइकिल में कितनी आ रही है, कैरियर सिग्नल की दो। अब हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, एम। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड माइनस एम, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना, तो हाई है, मतलब कि यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड है, तो कैरियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंड। तो यहाँ पे दो टर्न्स थे और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे शो करके बताया कि यहाँ पे थ्री साइकिल आ गई, 1, 2 और ये हमारी 3। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको एक साइकिल ड्रॉ करके बताया। फिर यहाँ पे दोबारा हाफ साइकिल में एम्पलीट्यूड हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 3 हो गई। इस तरीके से हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे फाई, हमारा फेस शिफ्ट चेंज होना है कैरियर सिग्नल का, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे जो इसका टी एक्सिस से फाई है वो 120 कर दिया, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट वाले में एम्पलीट्यूड कम है, तो यहाँ पे मैंने इसका टी एक्सिस से जो फेज शिफ्ट है वो 45 बना दिया, तो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या कम हो गया। तो इस तरीके से हमारा फेज और फ्रिक्वेंसी चेंज होती है ऑफ द कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ एम। फेज मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारा फेस चेंज होता है। तो हमने पहले मान लिया कि हमारे कैरियर सिग्नल जो है वो ए सी कॉस 2πfct है, बाद में हमने मान लिया कि कैरियर सिग्नल आफ्टर फेस मॉड्यूलेशन जो है हमारा स्टैंडर्ड SPMT कर लिया, और वो क्या है, हमारा ए सी कॉस 2πct प्लस 5t। यहाँ पे हमने फेस डिफरेंस ऑफ 5t ले लिया। हमने अपना स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या माना था, ए सी 1 प्लस KMT कॉस 2πfct। तो हम अपना क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से डेविएशन करते हैं। स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या हो गया, ए सी 1 प्लस KMT कॉस 2πfct। KA क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप जितना स्टैंडर्ड से कंपेयर करते चलेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड फेस मॉड्यूलेशन के बारे में मैंने बात करी वो था ए सी कॉस 2πfct प्लस 5t। तो हमने साथ के साथ जो पहले हमने स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था उसके सिग्नल के बारे में भी बात कर ली। तो
तो जितना ज़्यादा हम पहले से लिंक करते चलेंगे तो हमारे दोनों में डिफरेंस होता जाएगा और हम आपस में लिंक कर पाएंगे कि पहले क्या था अब क्या है, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। अब हमने फाइटी क्या मान लिया, हमने फाइटी मान लिया कि हमारा फाइटी जो है वो के पी एम टी है, तो के पी क्या हो गया, फाइटी बाय एम टी। इसको फाइटी क्या है, हमारा फेज शिफ्ट है, तो ये रेडियन पर वोल्ट हो गया। के पी हम क्या बोलते हैं, जैसे हम इसमें बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें हम बोलते हैं फेस सेंसिटिविटी ऑफ फेस मॉड्यूलेटर। तो ये क्या हो गया, हमारा रेडियन पर वोल्ट, तो के पी क्या हो गया, वन वोल्ट चेंज इन मैसेज सिग्नल में। यदि हम अपने मैसेज सिग्नल में एक वोल्ट का अंतर करते हैं तो हमारी फेस जो है वो कितनी ही चेंज होती है, तो वही हमारा के पी बताता है। यदि हमने एम टी ज़ीरो कर लिया तो हमारा फाइट इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब है कि हमारा कोई भी फेस शिफ्ट शेप नहीं हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, फेस मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। अब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने मान लिया कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है बिफोर द कैरियर मॉड्यूलेशन वो एफ सी है, और कैरियर सिग्नल के बाद में जब हम उसका मॉड्यूलेशन करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, एफ आई। उसे हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी। एफ आई इक्वल टू हमने मान लिया एफ सी प्लस के एफ एम टी। अब हमने इसे जैसे ऊपर हमने फाइ टी लिया था इक्वल टू के पी एम टी, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिया, एफ सी इक्वल टू के एफ एम टी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि लिंक करके चलेंगे, तो हमारे एक क्लियर होता जाएगा। के एफ, के एफ क्या है, हमारा फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि हमारी हर्ट्स पर वोल्ट में होती है। जैसे कि ऊपर था कि वन वोल्ट के चेंज करने पर हमारी फ्रिक्वेंसी में फेस में कितना चेंज होता है, वैसे ही वन वोल्ट के चेंज करने पर हमारी फ्रिक्वेंसी कितना चेंज होती है, वो हमारा के एफ होता है, फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। टर्म ऑफ की पॉइंट, आपको पता है जब भी की पॉइंट होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। अब जैसे कि हमारे फेस मॉड्यूलेशन में हमने माना था फाइ टी इक्वल टू के पी एम टी, यदि हम मैसेज सिग्नल ज़ीरो कर देते हैं तो हमारा फाइ टी क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो उससे क्या होगा, हमारा फाइ टी ज़ीरो हो गया, मतलब कि हमारा फेस शिफ्ट ज़ीरो हो गया। फेस शिफ्ट ज़ीरो हो गया तो हमारा कोई भी हमारा मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं है, हमारा एज इट इज़ कैरियर सिग्नल था। अब यदि हम एफ आई इक्वल टू के एफ एम टी मान लेते हैं तो हमारा मैसेज सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैसेज सिग्नल, इफ़ हमने माना कि हमारा मैसेज सिग्नल ज़ीरो है तो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। हमने माना था एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी, हमने यही इसलिए माना था क्योंकि मॉड्यूलेशन से पहले कैरियर सिग्नल तो कुछ ना कुछ था ही ना। यदि हमारा मैसेज सिग्नल ज़ीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा कैरियर सिग्नल की भी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जाए, बिकॉज कि हमारे यहाँ पे था कि हमारे यहाँ पे कैरियर सिग्नल ही है। अब हमारा सपोज़ यहाँ पे मॉड्यूलेशन जो मैसेज सिग्नल है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो भी हमारी ज़ीरो हो जाती है, किसकी, कैरियर सिग्नल की। लेकिन हमारा मैसेज कैरियर सिग्नल तो मॉड्यूलेशन से पहले रहता ही है, तो इसलिए हमने वहाँ पर माना था एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी।